रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हुआ तो वो भी कर दीजिएगा। सो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका मुझे खुद बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, आप लोगों को था ही था। तो आज मैं आप लोगों को करवाऊँगा अपने नए घर का टूर। सो आई एम सो एक्साइटेड। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं अबू जान से पूछना चाहता हूँ। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स के भी ये सवाल था कि तो ही अबू जी जगह खरीदी ही या विरासत च मिली है? ये विरासत दी है, विरासत च। जगह जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट है, मतलब इसको तीन रास्ते लगते हैं, इस तरफ से भी सामने से तो है ही है, इसकी बैक साइड से बस रास्ता नहीं लगता, बाकी हर साइड से जो है ना वो रास्ता लगता है। तो बस बम बशर से मेरा एक ही सवाल है, घर प्यार है हमारा, कब आ रहे हैं? मैं आया हुआ, मैं घर के दरवाजे पे बैठा हुआ। ये हमें पता है कि हमने कैसे बिठाया हुआ, भाई ने बस जल्दी जल्दी में कहीं निकलना है। तो बताएं फिर, ये असल में जब पहली ईंट रखी गई थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त ये मैंने कह दिया था कि ये आप लोगों के लिए घर बनाया जा रहा है। तो ये जिस तरह आप लोगों ने भी तो मुझे गिफ्ट की है ना गाड़ी, तो ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। देखें गाड़ी हमने गिफ्ट की, हम चलाते हैं बिल्कुल। तो घर आपने गिफ्ट किया तो आपका रहना भी बनता है। मैं भी आता जाता हूँ ना, आता जाता रहना एक और चीज़। तो आप गाड़ी में रहते हैं? गाड़ी हमने गिफ्ट की हुई है ना, आप चाबी किसके पास रखते हैं? पर गिफ्ट गिफ्ट में फर्क होता है ना, ठीक है। अब चॉकलेट को ही बंदा गिफ्ट करता है तो उसको तो खा लिया, नहीं थोड़ी उसके साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो गिफ्ट गिफ्ट में फर्क है, एक गिफ्ट का मतलब है वो आपको दे दिया, वो आपका हो गया, ठीक है। तो ये मेरे ये घर, आपका घर तो मेरा घर को ये ले ला लेता। अबू जी, हाँ जी, एक कितनी जगह कितनी है, कितने कनाल जगह है? एक कनाल छः मरले। एक कनाल छः मरले, टोटल 26 मरले हो गए? हाँ टोटल 26 मरले है ये जगह, जो मतलब माशाल्लाह बहुत 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 ही खुली जगह है। सो बिना किसी देरी के आप लोगों को टूर करवाते हैं जी, तो बस आ जाए मेरे साथ। फिरोला को लेके भाई जा रहे हैं कहीं पे, जाने दें जाने दें यार जाने दें, जान दो सिद्दीका। हमारे पास दो कार्स हैं, किया स्पोर्टेज और टोयोटा क्रोला GLI, और उसके अलावा हमारे पास 70 बाइक है। हाँ मेरी फेवरेट है ये, जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो भाई ने मुझे लेके दी थी ये बाइक, अभी इसकी काफी हालत खराब हो गई हुई है, 2017 मॉडल है। तो ये है, और 26 मरले जगह जिसमें से हमने 8 मरले जगह में ना घर बनाया हुआ है, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये, और बाकी कुछ हमने जगह जो है रास्ते के लिए बाहर छोड़ दी हुई है, और बाकी में ये पार्क पीछे घास लगाई हुई है। अभी इसे तैयार होने में महीना डेढ़ महीना लग जाएगा, घास काफ़ी बड़ी बड़ी होगी हुई है माशाल्लाह। उसके अलावा आ जाए, बहुत से पौधे हमने इधर लगाए हुए हैं, फूलों वाले फलों वाले, और जो खूबसूरत देखने में लगते हैं वो सारे पौधे हमने तकरीबन लगाए हुए हैं। बहुत खुली जगह आने वाले दिनों में, यहाँ पे झूले लगाएंगे हम बच्चों के लिए ये कुछ एरिया में, क्योंकि जगह माशाल्लाह काफ़ी खुली है, और इस तरफ ये भी खाली रहेगी जगह, इधर भी झूले वगैरह अगर हो सका तो हो सकता है इधर झूले लगा दें उधर रहने दें, और इधर चेयर्स वगैरह रखेंगे ये सर्दियों में धूप में बैठने के लिए, या ऐसा मौसम होता है जब बारिश वाला तो बाहर निकल के बैठने के लिए, बहुत ही प्यारा माहौल होता है यहाँ पे, तो इसलिए हमने ज़्यादा जगह जो है वो खाली छोड़ी हुई है। आ जाएं दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं, बल्कि इधर से ही आ जाएं, पीछे से भी रास्ता जाता है। इधर फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं पेंट वगैरह, क्योंकि अभी कुछ जगहों पर अभी पेंट होना है, तो इसलिए पेंट की जो गैलन्स हैं वो आपको नज़र आ रही है, बाल्टियाँ आपको नज़र आ रही है। इस तरफ ये पीछे कुछ कबाड़ है हमारा, यहाँ पे सीढ़ी रखी हुई है, और पाइप वगैरह है जो आने वाले दिनों में काम, क्योंकि अभी टोटल काम ख़त्म नहीं हुआ, छोटा मोटा भी बहुत सा काम रहता है होने वाला। आ जाए, ये हमारे घर की बैक साइड होगी, और ये रही थी दूसरी साइड, ये ऊपर जामुन का दरख्त है माशाल्लाह, और इससे जामुन भी लगे हुए हैं, बस अभी पके नहीं है, कच्चे हैं अभी जामुन जो हैं, एक दो बारिश हो गई तो इंशाल्लाह जामुन जो हैं वो पक जाएंगे। और इधर भी हमने घास लगाई हुई है, तो हम घूम के आ गए जहाँ से हम चले थे अपनी कार पार्किंग के पास, ये है जी बाहर बाहर का एरिया, घर के बाहर जितना भी हमारा एरिया माशाल्लाह। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा,
बाकी अभी अंदर लेके चलते हैं आपको। और दूसरा इधर हमने बेसन लगाया हुआ है, कि बाहर से आते हैं गांव में क्या होता है कि बारिश हुई हो या वैसे ही आप निकलो ना बाहर, तो अच्छी खासी पाँव पे धूल मिट्टी वगैरह जम जाती है, और दूसरा कोई काम करके आओ हाथ गंदे होते हैं, तो बजाय आप डायरेक्ट अंदर जाके वॉशरूम में धो तो अंदर गंद डालो, उससे बेहतर है कि यहाँ पे हाथ पाँव जो है वो धो लो अपने मुँह वगैरह। तो इसलिए हमने इधर एक बेसन लगा दिया हुआ है, और पौधों को पानी देने के लिए मुख्तलिफ जगह पे हमने जगहें छोड़ी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, इधर पाइप लगाओ पौधों को, घास को पानी देना, इधर से लगाओ कार वगैरह धोनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया जी, बाकी अभी अंदर चलते हैं जी। अंदर जो सामान है अभी प्रॉपर सारी चीज़ें नहीं हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लेके आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो जब फुल घर में मतलब पूरे घर में पूरा सामान आ जाएगा फिर भी आपको टूर करवाएंगे। अभी कुछ सामान आ गया हुआ है, कुछ आने वाला है। और ये जो कोठी आपको नज़र आ रही है ये एक घर नहीं है, ये दो घर हैं। वो जो दूसरी वाली साइड है उस तरफ वाली साइड वो भाई मुदसर की है, इस वाली साइड जो है वो मेरी है। तो अभी आपको टूर करवाते हैं, मैं वेट नहीं कर पा रहा था, मेरा था कि जितनी जल्दी हो सके ना मैं बस टूर की वीडियो बनाऊँ। आ जाए ये जी, यहाँ पे भी गर्मियों में चारपाई वगैरह रख के आराम कर सकते हैं, ऊपर पंखे लगे हुए हैं, बाकी कुर्सियाँ इधर पड़ी हुई हैं। अभी अंदर चलते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अंदर आ चुका हूँ मैं, तो चप्पल जो है अपनी वो इसी एरिया में इतने एरिया में ही उतारनी है, अंदर लेके नहीं जा सकते क्योंकि चप्पल अक्सर गंदी होती है, बाहर से आओ तो फिर पूरे घर में गंद जाता है, और घर माशाल्लाह थोड़ा बड़ा है तो फिर साफ करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खैर घर में एंटर होते ही लाइट्स ऑन कर लेंगे, मुझे घर में एंटर होते ही राइट साइड पे जो है वो वाशरूम है, ये रहा जी हमारा वाशरूम, और इधर रहा शीशा। और वाशरूम तो हो गया, और सबसे पहले इधर आ गए लेफ्ट साइड पे जो है ना ड्राइंग रूम। अभी यहाँ पे हमने कुछ नहीं रखा हुआ, हम कंफ्यूज हैं कि सोफे रखें या वो क्लीन वगैरह डाल के नीचे नीचे बैठने के लिए करते हैं वो करें, तो देखते हैं इंशाल्लाह फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये जगह ऐसे ही पड़ी हुई है। ये है ड्राइंग रूम, और अभी चलते हैं जी किचन और लिविंग रूम की तरफ। वो रहा इस तरफ, वेलकम 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 वेलकम, ये रहा जी हमारा ओपन किचन। अभी यहाँ पे भी प्रॉपर सेटिंग नहीं है क्योंकि इस घर में रहता कोई नहीं है अभी, तो जब कोई रहेगा आके मतलब घर वाले आके रहेंगे तो फिर सारी सेटिंग वेटिंग होगी, तब भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और हमारी इधर एक डॉलर्स की फ्रिज जो है, वो फ्रिज जो है यहाँ पर आनी है, तो वो थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है, मिस्त्री बुला के वो सेटिंग करेंगे तो फिर ये फ्रिज जो है ना यहाँ पे आ जाएगी प्रॉपर, और बहुत ही खूबसूरत लगेगी, अभी यहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो आने वाले दिनों में इधर होगी फ्रिज इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किचन हो गया जी, और किचन के बिल्कुल सामने हमारा लिविंग रूम, लिविंग एरिया जो भी कहते हैं वो है, और ये सोफे तो आपको पता है कि सियालकोट से ना लेके आया था ये रहे, और ये जो नीचे आप क्लीन देख रहे हैं ये अम्मी जान ने खरीदी हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही ना मुलायम मुलायम है। और इधर फ्यूचर में टीवी होगा ये बिल्कुल सामने, सो यार, और इधर एसी होगा। बहुत से काम है अभी करने वाले, सारे काम नहीं हुए अभी, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे हम इंशाल्लाह। तो आ जाएं जी इस तरफ बेडरूम में, ये लाइट ऑन कर देंगे, वो देखे नहीं पता जा रहा है एग्जॉस्ट फैन में घुस गया हुआ है। ये है जी रूम, एक बेडरूम, यहाँ पे भी अभी कोई चीज नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। एक बेडरूम ये हो गया, आ जाएंगे दूसरा मास्टर बेडरूम, इस तरफ बेड वगैरह रखा हुआ है लाके, जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है। पर्दे अभी रहते हैं, मतलब बहुत सी चीजें अभी रहती हैं, तो घबराइएगा नहीं, आने वाले दिनों में सब कुछ खरीदा जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये है मास्टर बेडरूम, और बेड के बिल्कुल सामने हमारा ड्रेसिंग टेबल जो है वो पड़ा हुआ है। कैसे हैं जी आप साहब, नीचे का टूर हो गया, अभी चलते हैं छत पे, तो आ जाएं। और ये हम आ गए जी फर्स्ट फ्लोर पे आते ही सबसे पहले आता है जी मेरा ऑफिस इस तरफ,
ये वाली यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सारा सामान जो है वो इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि उधर रहता हूँ तो फिर उधर ही एडिटिंग वगैरह सारा काम है उधर ही करता हूँ। तो जब इधर शिफ्ट होंगे फिर इधर किया करूँगा। पहले हमारा प्रोग्राम था कि ये बेडरूम ही रहेगा, फिर बाद में अचानक से प्रोग्राम चेंज हो गया कि नहीं बेड नहीं इसे ऑफिस में तब्दील कर देते हैं। तो यार अभी ये ऑफिस अपना आ जाए, यहाँ अच्छी खासी गर्मी है। और ये रहा जी अपना दूसरा लिविंग रूम, गर्मी अच्छी खासी है, नीचे ठंडा थोड़ा काम यहाँ अच्छी खासी गर्मी है, लाइट्स हमने बहुत ज़्यादा लगवाई हुई है। तू कहाँ से लग गए? अभी बटन्स का मुझे नहीं पता ना कि कौन से बटन से कौन सी लाइट ऑन होती है। तो ये रहा अपना लिविंग रूम, यहाँ पे पता नहीं क्या रखने की कोई फिलहाल प्लानिंग नहीं है। और हमारी अलमारी, इसमें आप खुल जाओ, ये देखें ऑलरेडी इधर बटन्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो यहाँ आप अपनी रजाइयाँ वगैरह, कंबल वगैरह, कपड़ों के लिए ज़्यादा से बनी हुई हैं वो सब कुछ रख सकते हैं। तो आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स कहेंगे कि लिविंग रूम पे कौन अलमारी बनाता है। मेरी अम्मी जान ने कहा था कि होनी चाहिए अलमारी इधर, तो बस है। जब अम्मी जान ने कह दिया तो बात ही ख़त्म, होती या नहीं होती उसे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद ही बेडरूम, क्या ठंडा है माहौल है। तू बंद हो जा। हाँ जी ये बेडरूम, ये भी खाली पड़ा हुआ है। ये कलर मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, हाय मैंगो येलो। अच्छा इस तरफ मेरा बेडरूम आ गया, ये तो आपने देखा होगा। और ये रहा जी अपना बेडरूम, बेड मैं आने वाले वक्त में चेंज कर दूंगा। नीचे वाला बेड मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगता है बजाय इसके, ये इतना बड़ा बेड है इसे उठा के इधर उधर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रहा जी अपना बेडरूम, और यहाँ से व्यू जो है माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आता है। ये सेफ्टी ग्रिल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इसलिए हमें लगाई हुई हैं। ये कुछ बाहर का व्यू है जी, यहाँ से हर कोई आता जाता नज़र आता है, कौन आ गया कौन चला गया, और यहाँ से अपने खेत इस तरफ हैं तो वो भी नज़र आते हैं। तो ये जो आपको तालाब सा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे पूरे मतलब मोहल्ले का जो गटरों वगैरह का पानी है ना वो सारा यही पे आता है। खैर ये रहा अपना बेडरूम, बंद हो जा। हाँ जी जी जी, सो बेडरूम चार है, एक ऑफिस है, एक ड्राइंग रूम है। तो मतलब ऑफिस ना हो तो पांच बेडरूम है, तो खैर चार बेडरूम है जो कि हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा है। सो दूसरा वाशरूम रहा जी मेरे रूम के साथ, इसकी टाइल्स जो है ना वो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आई थी। सो कैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। ये हो गया, अभी आपको छोटे टेरेस पे लेके चलते हैं। आ जाए लॉक लगा हुआ है, लॉक ही बहुत लगाया हुआ है जनाब भाई दसन। हाँ जी तो ये जी हम आ गए बाहर, बाहर आके बहुत ही सुकून मिला जी, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। ये रहा टेरेस, और यहाँ पे अम्मी जान के हमारे पास बेसन ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, तो अम्मी जान कह रही थी यहाँ पे ना एक बेसन लगा दो। वैसे ये लॉन्ड्री एरिया होता है, लॉन्ड्री रूम होता है, क्या होता है जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं। सो वो ये है हमारा, यहीं पे वॉशिंग मशीन रहा करेगी और यहीं पे कपड़े वगैरह धोया करेंगे घर वाले जो हैं। बहुत ही खुला एरिया, ये स्पेशल हमने इसलिए बनवाया था। ऊपर परगोले हमने लगाए हुए हैं, और परगोलों के ऊपर ना हमने शीट चढ़ा दी है ताकि बारिश जो है ना नीचे ना आए। ये भाई मदसर ने किया क्योंकि शीट बची हुई थी जो नीचे पार्किंग पे लगाई थी ना, तो वो बच गई थी, तो भाई मदसर ने परगोलों के ऊपर लगा दी ताकि बारिश जो है वो नीचे ना आए। तो खैर ये एरिया जो है कपड़े धोने के लिए। सो ये हो गया, अभी आ जाए, अभी आ जाए जी, आपको बड़ा वाला टेरेस दिखाते हैं और उससे कैसा व्यू है वो भी दिखाते हैं। आ जाए ये बाहर आ गए, और यहाँ से दूर दूर तक खेत जो हैं वो नज़र आते हैं माशाल्लाह, और क्या खूबसूरत व्यू होता है यहाँ से, क्या ही बात है माशाल्लाह। और ये जी हम आ गए छत पे, छत पे तो और भी प्यारी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, आया है और यहाँ से माशाल्लाह बहुत 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 ही खूबसूरत व्यू है। देखें अभी इतनी हरियाली नहीं है, आने वाले दिनों में जब चावल की फसल जो है वो काश्त कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी, तब जो यहाँ से व्यू होगा ना करोड़ों का, अरबों का।
इधर आ जाएं जी। ये भी रहा हमारा टेरेस, यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रख के बंदा सर्दियों में चाय वगैरह पी सकता है और सामने व्यू एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, मतलब टेबल वगैरह रख के चटाई नीचे डाल के खाना खा सकते हैं। ये ममटी है हमारी और इस पे ये विंडोज़ कुछ ऐसी लगवाई हुई हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आ जाए, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये भी समझ रही बाउंड्री है। उस तरफ भाई मुदस्सर का घर है, इस तरफ मेरा है, ये बॉर्डर है। ये जो टॉप पत्थर लगा हुआ है ना, ये बॉर्डर है। मजाक कर रहा हूँ, आ जाए। और ऊपर भी हमने एक बेसन लगवाया हुआ है ये, कि अगर कोई ऊपर हाथ वगैरह धोने हैं तो आपको नीचे ना जाना पड़े, वो नीचे आप जाके वॉशरूम में फिर धो के आओ, तो बंदा सीढ़ियाँ चढ़ उतर के ही थक जाता है, तो इसलिए बेसन ऊपर ही लगा दिया हुआ कि हाथ वगैरह धोने हों, कोई बर्तन हो धोने वाला तो वो भी आप इधर धो सकते हैं, तो वो है। और ये बिल्कुल साथ हमारे आम का दरख्त है, ऊपर आम लगे हुए हैं कच्चे आम जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। किताजान के घर दरख्त है, तो उनके बेटे से हमने ना ये हिस्सा इतना ना ख़रीद लिया हुआ है कि ये जो फल लगा हुआ है ना, ये आप हमें दे दो, तो उन्होंने 1500 रुपये में हमें ये सारा फल जो है वो दे दिया था, तो अभी ये हमारा है। ये खूबसूरत लगता है, बस इसलिए हमने रहने दिया हुआ है कि क्या कहने, हमने उतार के खाने तो है नहीं, हमने कच्चे आम। और उसके अलावा आपको स्टोर रूम दिखाते हैं, आ जाएं स्टोर रूम, आ जाएं। ये जी टॉप पे हमने बनाया हुआ है स्टोर रूम, और इधर हमें रखी हुई है सोलर जो ऊपर लगाए हैं उसके, ये सारा कुछ जमेला जितना भी है वो सारा इधर ही रखा हुआ है। 4 बैटरीज हैं। ये जी हमारा स्टोर रूम, कोई भी फालतू वगैरह चीज़ है जिसकी नीचे ज़रूरत नहीं है तो इधर हम ला के रख सकते हैं। और दूसरा पहला मेरा प्रोग्राम था कि इस रूम को जो है ना वो मैं अपना ऑफिस बनाऊंगा, लेकिन फिर चेंज हो गया, अभी नीचे चला गया वो ऑफिस। आने वाले दिनों में से हम बेडरूम भी बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात है नहीं, बहुत जगह। और इधर पंखा हमने बस नहीं लगवाया हुआ इसलिए कि स्टोर रूम है तो पंखा क्या करना है, तो पंखा इधर नहीं है। सेम इसी तरह भाई मुदस्सर की तरफ भी सेम स्टोर रूम है। सो भाई मुदस्सर तो एज अ किचन इसे यूज़ करते हैं कि ऊपर ही किचन है, नीचे वाला किचन यूज़ ही नहीं करते हैं। तो खैर इसे किचन भी बना सकते हैं आने वाले वक्त में, मतलब ये यूनिवर्सल, आप इसका कोई भी शेप दे सकते हो। बेडरूम करना है तो बेड रख लो, स्टोर रूम करना है तो स्टोर रूम, ऑफिस करना है तो ऑफिस बन सकता है, किचन बन करना है तो किचन भी बन सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बैटरीज इधर से शिफ्ट होकर ममटी पे जा सकती हैं, कोई मसले वाली बात है नहीं, बस ऐसे ही हमने बैटरीज इधर रखनी, थोड़ी सेफ हैं, थोड़ी साइड पर हैं, अगर ना हो तो हम कहीं और भी रख सकते हैं। तो खैर ये जी मेरे वाली साइड, अभी आ जाए भाई मुदस्सर वाली साइड पे। सेम ही डिटो कॉपी क्या कहते हैं, पूरी कॉपी मतलब तो सेम ही सब कुछ है। हम पहले ना मैं भाई को हमने कहा कि ये दीवार है बीच में, और अगर ये दीवार ना होती तो हम यहाँ से डायरेक्ट उस घर जा सकते हैं, मतलब तो उसे इस अंदर आ सकते हैं, मतलब एक ही घर था। लेकिन भाई मुदस्सर ने कहा कि नहीं, दीवार होनी चाहिए, कल को आप दोनों की बारिश हुई तो वो आपस में लड़ेंगी, तो फिर जो देनी है दीवार तो अभी दे लो। लेकिन मैं और भाई मुदस्सर इस हक में नहीं थे, लेकिन भाई मुदस्सर की बात फिर हमें मानना पड़ी, तो फिर हमें दीवार दे दी। अभी भी मैं खुश नहीं हूँ इस दीवार से कि ये क्यों है, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि घर ना फिर बहुत बहुत बड़ा लगता, इस दीवार की वजह से घर जो है वो छोटा छोटा लगना शुरू हो गया हुआ। ये घर जो है वो आबाद है, भाई मुदस्सर इधर रहते हैं, आ जाए इधर देखें, पूरी पूरी महफल, पूरी महफल जमी हुई है जी इधर। वाह 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 वाह, क्या हुआ? हम अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, सही हो गया। और इधर रहा मेरा मोहम्मद, तो फिर हो जाए त्यार सदके। आप में से बहुत से सब्सक्राइबर्स का ये सवाल होगा कि आपने अटैच वॉशरूम्स क्यों नहीं रखे। मुझे नहीं पसंद अटैच वॉशरूम्स ना, जिस रूम में मैं पहले रह रहा हूँ वहाँ पे है, मुझे नहीं पसंद, भाई मुदस्सर को भी नहीं पसंद कि अटैच वॉशरूम हो, सो इसलिए फिर हमने अटैच वॉशरूम जो हैं वो नहीं रखे। और अगर आपको कोई चीज़ की समझ नहीं आई है कहीं से, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो उसका यूज़र नेम इधर आ रहा होगा, जल्दी से फॉलो भी कर लीजिएगा, और आप बता भी सकते हैं कि जैन भाई ये समझ नहीं आई यहाँ से आके। मेरे ख्याल में तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है आपको, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बस ये है जी अपना घर, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी नहीं सोचा था, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा, इतना प्यारा, इतना अच्छा घर होगा कभी अपना। ये बस अल्लाह पाक का खास करम है, माँ बाप की दुआएं हैं और आप सबका प्यार।
ये घर बनाना हमने 2019 में शुरू किया था और अभी 2021 जून चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल हो गए हमें ये घर बनाते बनाते। अभी और टाइम लगेगा चीज़ें पूरी करते करते। कभी नहीं सोचा था, आज भी अगर मैं सोचता हूँ ना कि ये हमारा घर है तो कभी कभार यकीन नहीं आता कि यार सच में ये हमारा घर है। सो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि अल्लाह पाक ने इतना करम किया हुआ है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 चल रहा था और नवंबर चल रहा था, मेरे कज़न की शादी थी तो हम घर बनाना हमने शुरू कर दिया हुआ था, लेकिन हमने शादी देखनी थी, घर बना रहे थे हम और हमारे पास पैसे ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल पैसे ख़त्म हो चुके थे। तो तब हमने डिसाइड किया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ना सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं जाएंगे, ऊपर सिर्फ ममटी बना देंगे, बस यही नीचे वाला फ्लोर ही रहेगा और दैट्स इट, यही होगा। फाइनल था कि बस इतना ही हम घर बनाएंगे, इससे ऊपर नीचे हम नहीं होंगे क्योंकि पैसे नहीं थे। सो तब हमने ये डिसाइड किया, लेकिन अल्लाह पाक ने हाथ थामे रखा और आहिस्ता आहिस्ता हम चलते गए चलते गए चलते गए, तो अभी आपके सामने ही है माशाल्लाह कि इतना बड़ा घर बन गया हुआ है। मैं आज भी सोचता हूँ ना तो मतलब यू नो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने बिल्कुल बनाना जो है घर वो छोड़ दिया हुआ था कि नहीं पैसे नहीं हैं तो क्या फ़ायदा, हमने शादी देखनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे। अभी भी वो हो रहा थोड़ा सा ना, कोई भी चीज़ है जब आप करना शुरू कर देते हो तो एट द एंड वो हो ही जाती है। सो आपके इरादे नेक हों, आपकी नीयत साफ़ हो, आपके पीछे आपके माँ बाप की दुआ हो, आपसे मतलब सब खुश हों, तो कुछ भी आप कर सकते हो लाइफ में। बस अपने इरादे जो हैं वो मज़बूत रखें और अपने हाथों से किसी को परेशान मत करें, बस अल्लाह को याद करके चलते रहें। दिन लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, लेकिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। बस कभी भी हार नहीं मानी, बस चलते रहें। अब उधर कहाँ पर घुस गया हुआ है। ये जो शेल्फ आपको नज़र आ रही है ना, ये पत्थर जो हमने लगाया, ये इसलिए लगाया था कि मतलब यहाँ पे दो चेयर्स रख के यहाँ पे बैठ के हम खाना सुकून से खा सकते हैं। आप पूछेंगे कि वो डाइनिंग के लिए आपने जगह कहाँ बनाई हुई है, तो उसके लिए हमने कोई जगह नहीं बनाई है। विलेजेस में वो रिवाज ही नहीं होता कि वो चेयर्स पे बैठ के वो टेबल पे रख के खाना खाएं, हमारा सिंपल सा होता है भाई सब खाना लाएं, ऐसे नीचे क्लीन होता है, क्लीन पे रखें, सब घर वाले बैठें और सुकून से खाना खा लें, तो हमारा ये होता है। हमारा ये नहीं कि कुर्सियाँ लाओ टेबल टूबल लगा के पूरा, जैसे होटल्स में होता है और मैं बहुत से घरों में देखा वैसा, लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता। विलेजेस में नीचे बैठ के ही चटाई क्लीन वगैरह पे बैठ के ही खाना खाया जाता। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।